गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मोमेंट बेबी बॉय रूटीन। सो गाइस, आज मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। करवा चौथ निकल गया है, उसके बाद मेरा जो व्लॉग है वो क्लीनिंग का आने वाला था, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो मेरी जो क्लीनिंग है वो थोड़ा सा लेट हो गई है, तो आज से मैं अपना जो घर का जो सारा जो क्लीनिंग होती है उसका काम करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं जो जाले होते हैं छत पे लगे होते हैं, तो मैं उनको क्लीन कर रही हूँ। तो उनको क्लीन करने के बाद मैं और कुछ करूँगी, क्योंकि सारे जो जाले वो नीचे गिर जाते हैं। जाले साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फ्रिज का जो लोकेशन होती है उसको आज मैं चेंज भी करने वाली हूँ, और उसके पीछे जो क्लीनिंग है वो भी कर रही हूँ। तो फ्रिज के पीछे क्या है ना, अपन रोज़ रोज़ क्लीन नहीं कर पाते, तो उस वजह से काफ़ी सारा जो कचरा होता है वो जमा होता रहता है। तो बहुत सारा जमा हो गया था, तो मैं उसी को क्लीन कर रही थी यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा जाले भी लग गए थे उनको। फ्रिज के पीछे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि हम हर रोज़ क्लीन नहीं कर पाते हैं फ्रिज के पीछे हटा हटा के, क्योंकि रोज़ रोज़ फ्रिज को नहीं हटाया जाता है। तो इस वजह से तो फ्रिज के जो पानी होता है, जो पीछे पानी आता रहता है, उसमें बहुत सारा जो जाले है वो लग गए थे, और बहुत ज़्यादा पानी भी भर गया था। तो मैंने उसको निकाला और उसके सारे जाले जो है वो क्लीन किए, और क्लीन करने के बाद मैं फ्रिज की जो जगह है उसको चेंज कर रही हूँ। अब मैं फ्रिज को किचन में रखने वाली हूँ, तो इस वजह से। और इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा जो धूल हो गई थी वो हो गया था, जाले लग गए थे, तो मैं उसको भी क्लीन करूँगी। मैं फ्रिज को रख रही हूँ किचन में, तो मैं उसी में ले जा रही हूँ फ्रिज को। और मेरी जो फ्रिज है मैंने उसको किचन में जो है सेट कर दिया है, और आप देख सकते हो फ्रिज के पीछे कितना सारा जो कचरा है वो जमा हो गया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाले भी लग गए थे, तो मैंने सबको अच्छे से क्लीन किया। बैग होता है वो मैंने ऊपर रख रखे थे, और यहाँ पे टीवी का कवर भी मैंने रख दिया है, क्योंकि कभी कभार टीवी इधर से उधर करना होता है, तो टीवी में स्क्रेच आने के या फिर टूट जाने के डर होते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से संभाल के रखा है, जब भी हम टीवी को इधर से उधर ले जाएंगे तो मैं इसी बॉक्स में वापस रख के ले जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने वैसे का वैसा इसको कबाड़ के ऊपर रख दिया था। तो उसके पीछे जो कबाड़ के पीछे पे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाले लग, सारे सामान को हटा दिया है, आप देख सकते हो सारा सामान किस तरीके से हॉल में फैल गया है पूरी तरफ। और मैं आपको दिखाती हूँ कबाड़ के पीछे कितने सारे जाले लग रहे हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, तो मैं सबको क्लीन करूँगी अच्छे से। तो क्लीनिंग का काम थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसको कम से कम मुझे 1-2 दिन लग जाते हैं पूरी घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो चलिए मैं क्लीन कर लेती हूँ घर को। बहुत टाइम से जो है वो साफ़ नहीं किया था, क्योंकि पेंडिंग होता जा रहा था। मैंने सोचा अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली पे ही साफ़ करूँगी, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया। वरना मैं ज़्यादातर उसको साफ़ करती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है, बट अब की बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सबको मुझे मैंने बहुत ही बारीकी से इसको क्लीन करना पड़ा, 2-2 बार इसको क्लीन करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हो गया था। इसको साफ़ करना
मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वैसे मैं इसको अपने हस्बैंड पे साफ करवाती, बट उनकी ऑफिस से छुट्टी नहीं थी तो इस वजह से मैंने खुद ही कर लिया। मुझे नहीं पता था उनकी छुट्टी, बाद में उनको मुझे उन्होंने बताया कि मेरी छुट्टी है। बट सकते हो कितनी सारी मिट्टी हो गई है यहाँ पे, इतनी सारी मिट्टी उस पंखे में से निकली है, बहुत ज़्यादा गंदा हो। सकते हो मेरा पंखा कितना क्लीन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे जो क्लीनिंग होती है उसके बाद एक सुकून सा मिलता है, तो मैंने यहाँ पे जो पंखा साफ करने के बाद जब इसको देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि देखो कितना क्लीन हो गया है, एकदम से साफ हो चुका है, आप देख सकते हो। अलग मैं आपको अपने मौसम की दिखा देती हूँ, कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, जबकि दिवाली आ गई फिर भी थोड़ी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट है यहाँ मुंबई में, पता नहीं कितनी बारिश होने वाली है। तो आप देख सकते हो ऊपर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी एक झलक दिखाई देती हूँ मौसम की। जैसे और यहाँ पे अभी के लिए भी दूध गर्म कर लूंगी, उसमें थोड़ा सा अदरक डालूंगी दूध में और उसको पिला दूंगी। तो अभी नेक्स्ट डे है, मैं बाकी के बाद में सूट नहीं कर पाई थी तो अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, मुझे कुछ सामान चाहिए था तो उसके लिए आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो चलिए सामान ले आते हैं डीमार्ट से। तो मैं बताती क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं ये लेके आई हूँ दो मटरी के पैकेट, खारी इसको बोलते हैं या मराठी में इसको खारी बोलते हैं, तो वो ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, तो मैं ये लेके आई थी। और इधर मैं लेके आई हूँ जो ऑर्गेनाइज करने का एक सामान रखने का ये स्टैंड, ये मुझे 300 रुपये का पड़ा था, ये बहुत अच्छा था, मैंने मुझे अच्छा लगा तो कलर भी अच्छा था तो मैं इसको लेके आई हूँ। और एक मैं यहाँ पे लेके आई हूँ हिमालय का पैंट्स अभी के लिए, मुझे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं हिमालय के ही पैंट्स जो है अभी के लिए यूज करती हूँ, तो मैं ये पूरा बड़ा वाला पैकेट लेके आई हूँ। और इधर मैं लेके आई हूँ पोहा, हमें पोहा ज़्यादा लगता है, मैंने ब्रेकफास्ट में हम पोहा ज़्यादातर बनाते हैं तो इस वजह से पोहा ख़त्म हो गया था, तो मैं वो लेके आई हूँ। कुछ शक्कर का पैकेट, मैंने दिवाली का कुछ सामान भी मैं ले आई थी और कुछ मैं बाद में ले आऊँगी, अभी हस्बैंड की छुट्टी थी तो सोचा थोड़ा बहुत ले आते हैं सामान जो कि ज़रूरत थी। और उधर मैं लेके आई हूँ एक बेसन का पैकेट, नमक का पैकेट और रेड लेवल अपने लिए चाय का पैकेट छोटा वाला लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, सिर्फ मुझे लगता है तो मेरे लिए काफ़ी होता है। और इधर मैं लेके आई हूँ एक खल्लर, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल छोटू सा था, कभी कभार अदरक वगैरह या लहसुन वगैरह कूटना होता है तो उसके लिए बहुत परफेक्ट था, तो मैं ये के लिए लेके आई हूँ। और इधर अभी के लिए मैं ये कुछ मटरी लेके आई हूँ, ये मुझे इसको पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं बट ये अच्छी लगती है खाने में, तो मैं ये लेके आई हूँ। और इधर मैं लेके आई हूँ शक्कर का पैकेट, 2 किलो शक्कर लेके आई थी मैं, क्योंकि अभी गुलाब जामुन बनाने हैं तो उसके लिए मुझे लगेगा। और एक यहाँ पे मैं नहाने का जो मग होता है वो लेके आई हूँ, और क्योंकि मेरा जो मग है वो ख़राब हो गया था और दिवाली की वजह से मैंने कहा ले ही लेती हूँ। और एक मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ये डिश वॉश, बर्तन साफ़ करने का जो डिश वॉश होता है वो, ये अभी इस पर दिवाली की वजह से ऑफ़र चल रहा था तो मैंने ये ले लिया बड़ा वाला। और इधर मैं लेके आई हूँ मूँगफली के जो पैकेट होता है जो खाने में अच्छे लगते हैं, नमकीन वाले होते हैं, तो अभी के लिए ये लेके आई हूँ। और मैंने यहाँ पे जो मिल्की मिस्ट का गुलाब जामुन का पैकेट है वो लेके आई हूँ, मैं बनाने वाली हूँ दिवाली पे तो मैं लेके आई थी।
और इस पे भी बाय वन गेट वन फ्री था, तो मैं ले आई एक, मेरे पे पहले से रखा हुआ था तो एक ही लेके आई हूँ। और मूंगफली का पैकेट, रिफाइंड का पैकेट, कुछ कपड़े धोने के साबुन, बस यही सब मैं लेके आई थी डी मार्ट से। तो चलिए मैं इन सब सामान को लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। रखने के बाद हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं वाशी, क्योंकि हमें कुछ सामान खरीदना था, जैसे कि कपड़े खरीदने थे अभी के लिए, और मुझे अपने लिए और मेरे हस्बैंड भी कुछ खरीदने वाले थे, तो उस सब के लिए हम यहाँ पे आए सुपर स्टॉप वाशी इनॉर्वेट मॉल। यहाँ पे आ गई हूँ इनॉर्वेट मॉल में, सुपर स्टॉप से मुझे कुछ सामान खरीदना है अपने लिए, तो मैं बस वही खरीदने वाली हूँ। तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने क्या खरीदा। तो सबसे पहले चलिए खरीद लेते हैं, और मेरे हस्बैंड और अभी देखो कितना आगे निकल गए, मुझे पीछे छोड़ गए हैं। मैं यहाँ पे सूट करने के लिए थोड़ा सा रुक गई थी, बहुत अच्छा डेकोरेट हो गया है दिवाली के वजह से, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो चलिए मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। वो नहीं, जो शॉपिंग है वो कर ली है, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो मैं आप लोगों को घर पे बताऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 3, तो हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह के निकले तो काफ़ी भूख लग आई थी, तो इस वजह से हम कुछ खाने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो चलिए